सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल सलमान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो Y21 फोन के बारे में। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास वीवो का Y21 फोन है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सेटिंग के बारे में जो कि आपके इस सेटिंग के बारे में कोई नहीं बताया होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं इस सेटिंग के बारे में, आप इस सेटिंग को यूज करोगे तो आपको बहुत ही बेटर लगने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूं टैक्स एंड डिस्प्ले के बारे में, टैक्स एंड डिस्प्ले को कैसे आपको अपने फोन से यूज करना है एंड कैसे इसको ऑन करना है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो फाइनली हम बात करने वाले हैं वीवो के Y21 फोन के सेटिंग से आप यहां पे टैक्स एंड डिस्प्ले को कैसे यूज कर पाओगे, मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। तो चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देता हूं। वेलकम टू माई YouTube चैनल टेक्निकल सलमान। तो फाइनली दोस्तों साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं टैक्स एंड डिस्प्ले के बारे में, टैक्स एंड डिस्प्ले क्या होता है एंड इसको कैसे यूज किया जाता है मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको जाना होगा अपने फोन के सेटिंग में। अब जैसे अपने फोन के सेटिंग में आप आते हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो यहां पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टेटस एंड एक्सेसिबिलिटी, सॉरी दोस्तों स्टेटस एंड एक्सेसिबिलिटी के बारे में। तो यहां पे एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहां पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। अब नीचे आएंगे तो आपको फिर से एक एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो यहां पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहां पे देखने को मिल जाता है बहुत सारे सेटिंग वगैरह इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पे आपको मिल जाता है एक टैक्स एंड डिस्प्ले का ऑप्शन, तो टैक्स एंड डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहां पे आप क्लिक करते हो उसके बाद आपको मिल जाता है यहां पे फॉन्ट साइज एंड डिस्प्ले साइज एंड ब्लॉड टैक्स, जो कि यहां पे इसी के बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसको जैसे आप अपने फोन में ऑन करते हो तो जो आपका टैग होता है, जो अक्षर होता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब जैसे इसको ऑफ करते हो तो जो आपका टैग है यहाँ पे पतला हो जाता है, जो कि यहाँ पे मैं अपने वीवो के B23 फोन में आप लोग को बता रहा हूँ। इन जनरल उसी तरीके से आप अपने वीवो के Y21 फोन के सेटिंग से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं जो हमारा टैग है थोड़ा मोटा हो चुका है, दिख रहा होगा आप लोग को। अब इस टैग को मैं कर देता हूँ ऑफ, अब देख सकते हैं टैग जो हमारा यहाँ पे थोड़ा पतला हो चुका है। तो इस तरीके से अपने टैग को यहां पे यूज कर सकते हो एंड इस तरीके से टैग को मोटा कर सकते हो अपने फोन में वीवो के Y21 फोन के सेटिंग से। तो मैं आप लोग को इसके बारे में बता दिया। उसके बाद आपको मिल जाता है नीचे कलर का ऑप्शन, तो यहाँ पे कलर वगैरह भी आप देख सकते हैं, इसके अंदर कलर भी मिल जाता है अपने हिसाब से, रेड व येलो जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको इनेबल करके यूज कर सकते हो अपने फॉन्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके का इन चेंजेस इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं डिस्प्ले एंड टैग एंड डिस्प्ले के अंदर। तो इसको आप यूज कर सकते हो, इसके अंदर कलर वगैरह इनेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसको इनेबल करके अपने फोन में यूज कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ और भी ऑप्शन, तो यहाँ पे नीचे मिल जाता है आपको हाई कंट्रोल्स टैक्स, तो यहाँ पे हाई कंट्रोल्स टैक्स का ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है और इसको आप जैसे अपने फोन में यूज इनेबल करते हो तो यहाँ पे इस वाले टैक्स पे आपका बबल नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले टैक्स पे आपका आ चुका है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी के ऊपर एंड यहाँ पे कंट्रोल सेंटर पे एंड अपने फोन के सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे भी आपके जितने भी SMS आते हैं उस पर टैग पे आ सकता है। तो फाइनली इस तरीके से आप यहाँ पे टैक्स एंड डिस्प्ले के सेटिंग के अंदर से आप इनेबल कर सकते हो, अलग अलग तरीके का आप यहाँ पे यूजिंग कर सकते हो। अब नीचे मिल जाता है इस ये वाला ऑप्शन, तो इसको आप अपने फोन में यूज कर सकते हो और मिल जाता है यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन, तो यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हो और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हो, इसके अंदर से बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने वीवो के Y21 फोन के सेटिंग से इसको इनेबल कर सकते हो, बहुत ही बेटर है दोस्तों, आप अपने फोन में एक बार जाके जरूर ट्राई कर सकते हो डिस्प्ले एंड टैग्स को, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया, जाके आप अपने फोन में इनेबल कर सकते हो। आप अपने टैग को मोटा भी कर सकते हो एंड पतला भी कर सकते हो। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का
नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज जो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के इंप्रेस कर लेना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय दोस्तों।